IBN 7 हौसलाए। दिल्ली में जबरदस्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जी हां, देश का दिल दिल्ली ठंड की वजह से बेहद परेशान है। आज यहां सर्दी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में जैसे कोल्ड अटैक हो चुका है। शीतलहरी, कड़कड़ाती ठंड और कोहरे की मार। ठंड से अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि दिल्ली, पंजाब समेत कई और जगहों से लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। ऊपर से घने कोहरे ने हाल और बेहाल कर दिया है। यही है आज की हमारी टॉप स्टोरी। देखिए कुदरत की इस मार पर हमारी ये खास रिपोर्ट। हो चुका है कोल्ड अटैक। पूरा उत्तर भारत कड़कड़ाती ठंड से दो चार है। पारा लुढ़क चुका है, शीतलहरी चलने लगी है और हाड़ कपाने वाली ठंड ठिठुरा रही है। जगह जगह अलाव और आग नजर आने लगी है, लेकिन ठंड के कहर ने गरीबों की जान लेनी भी शुरू कर दी है। अकेले यूपी में ठंड ने 17 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। पंजाब, हरियाणा और जम्मू में भी ठंड जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली में भी ये 3 लोगों की जान ले चुकी है। राजधानी दिल्ली के लिए 22 दिसंबर की सुबह पिछले 5 साल की सबसे ठंडी 22 दिसंबर वाली सुबह साबित हुई। पारा सामान्य से 5 डिग्री लुढ़ककर 4.2 डिग्री हो गया। कोल्ड अटैक से लोग बेहाल हो गए। ठंड तो सर बहुत है और दिक्कतें ये है कि ट्रेन हमारी कल 6:45 थी लखनऊ के लिए, पर दिक्कत ये है कि 12 से 15-16 घंटे लेट है। फॉग की वजह से बहुत ज्यादा लेट है, उसमें जो है यात्रियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। दिल्ली में सुबह 8:30 बजे पारा लुढ़क कर 4.2 डिग्री सेल्सियस चला गया, लेकिन मौसम विभाग ने चेतावनी दे दी है कि कोल्ड अटैक से निपटने के लिए तैयार रहें, क्योंकि पारा तो अभी और लुढ़केगा, ठंड तो अभी और कंपाएगी। ये पूरा क्रिसमस के बाद तक भी जारी रहेगा एक तरह से। एक कल थोड़ी राहत है, अदरवाइज पूरा नॉर्थ इंडिया कोहरे की और कोल्ड वेव की चपेट में रहेगा। कब कपाती सुबह में कोल्ड का डबल अटैक कोहरे की शक्ल में नजर आया, जब दरअसल सड़कों पर कुछ नजर ही नहीं आया। गाड़ियों की इस लंबी कतार को देखिए, दोपहर के वक्त भी ड्राइवर अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखे। जिस तरीके का ये यहाँ का पूरा का पूरा नजारा है दिल्ली में, कि सुबह के वक्त भी गहरे कोहरे में भी जो गाड़ियों को लाइट जला के आने की जरूरत पड़ रही है। दिल्ली वालों की मुश्किल कोहरे के साथ साथ जनता परिवार की रैली ने और बढ़ा दी। एक तो बहुत ठंडी है, उसके बाद इतना जाम है, परेशान हो गया मैं, ड्यूटी कैसे जाऊँ, ड्यूटी में लेट हो जाएगा। कोहरे की वजह से ट्रैफिक काफी है, गाड़ियाँ बड़ी स्लो चल रही है। उसके लिए डेली ऑफिस जो हमें पहुँचना होता 10 बजे, आज हम ऑफिस पहुँच रहे हैं करीबन 11:30 के आसपास पहुँच पाएंगे, पूरा 1.5 घंटा लेट है। ठंड है, धुंध है, परेशानी परेशानी है। तो घने कोहरे ने सड़क के साथ रेल और प्लेन सब पर अटैक बोला। दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी सोमवार सुबह 25 मीटर से 0 तक पहुँच गयी। नतीजा ट्रेनें लेट, प्लेन कैंसिल। दिल्ली आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई, जबकि करीब 28 फ्लाइट्स या तो लेट आई या फिर डाइवर्ट की गईं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में कोहरे और धुंध का कहर देखने को मिला। यहाँ आकर मुझे सुबह मैसेज मिलता है कि यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है, बट देयर वेंट एनी अल्टरनेटिव कि भाई आपको वहाँ जाना है, ये कैसे, मतलब कुछ दे आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। हमेशा लेट हो जाती है ट्रेनें, कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे हमेशा सही रहे ट्रेन का सिस्टम। तो ठंड के मारे बुरा हाल है और ट्रैफिक में बड़ी भीड़ चल रही है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी हुई है आने की। ट्रेनें कितनी लेट चल रही है? ट्रेनें 7 घंटे लेट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक शीतलहरी का दौर जारी रहेगा, ठंड और कोहरा और बढ़ेगा। अगले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हवाएं फिर सक्रिय होंगी, जिनकी वजह से पहाड़ों पर फिर से बर्फबारी होगी, जबकि मैदानी इलाकों में कपकपाती बारिश, यानी आने वाले दिनों में ठंड से निजात नहीं मिलने वाली। दिल्ली से अमित पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आईबीएन 7। और इस कोहरे की मार से सड़क से लेकर रेल और प्लेन तक सभी प्रभावित होती हैं। कोहरा घना होते ही ट्रेनों के भी लेट होने का सिलसिला शुरू हो गया है। फॉग की वजह से ट्रेन हादसे भी नए नहीं हैं। इस साल कोहरे से पहले सभी पैसेंजर ट्रेनों में एंटी फॉग डिवाइस लगनी थी, जबकि राजधानी जैसी ट्रेनों में GPS, लेकिन ये हुआ नहीं, वरना ट्रेनें इतनी लेट ना चल रही होती। कोहरे में हमारी ट्रेनें बिल्कुल अंधी हो जाती हैं। सब कुछ ट्रेन ड्राइवर के विवेक पर निर्भर करता है। देखिए चौंकाने वाली ये खास रिपोर्ट।
ट्रेनों की ये टक्कर है झारखंड के गोड्डा जिले की। गनीमत यह है कि ये पैसेंजर ट्रेन नहीं, वरना यहाँ मौत और मातम का नजारा होता। ट्रेन के डीरेल होने की वजह घना कोहरा बताया जा रहा है। घने कोहरे की वजह से पूरे उत्तर भारत में ट्रेनें लेट हैं, हादसे का खतरा बढ़ गया है। ट्रेन ड्राइवरों के मुताबिक कोहरे में ट्रेन चलाना एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कोहरे की वजह से सिग्नल नहीं दिखता, नतीजा ट्रेनें घंटों लेट होती हैं। ट्रेन ड्राइवरों की माने तो जो सफर वो 3 घंटे में पूरा करते हैं, कोहरे की हालत में उसे पूरा करने में 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। कोहरे से सिग्नल नहीं देखते हैं, बस ट्रेन आराम से चले जाते हैं, इस वजह से लेट होते हैं आप। लेट होती है गाड़ी, करीब करीब एक खम्भे से ही दिखाई देता है कई बार, जो कि 100 मीटर से भी कम होता है, और उतनी दूरी से देखता है तो सिग्नल देखने के लिए बहुत स्लो करना पड़ती है गाड़ी। खबरों के मुताबिक कोहरे से निपटने के लिए रेलवे की तैयारी पूरी नहीं हो सकी है, इसकी वजह है एंटी फॉग और एंटी कोलिजन डिवाइस के परीक्षण में देरी। इसकी वजह विभागीय लेट लतीफी बताई जा रही है। इसका सीधा असर ट्रेनों की टाइमिंग में दिख रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली से आने जाने वाली ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली की तरफ आने वाली 70 से ज्यादा ट्रेनें लेट हैं। दिल्ली आने वाली राजधानी ट्रेनें भी 3 से 4 घंटे देरी से चल रही हैं। मगध एक्सप्रेस 18 घंटे लेट हुई, शताब्दी एक्सप्रेस 2 से 4 घंटे लेट है, गोमती एक्सप्रेस 12 घंटे लेट हुई, संपर्क क्रांति करीब 6 घंटे लेट हुई, तो गरीब रथ 6 से 10 घंटे लेट रही। हालांकि रेलवे का एंटी फॉग डिवाइस पर कुछ और ही कहना है। जब भी फॉग रहता है, स्पेशली हम फॉग सिग्नल मैन डिप्यूट करते हैं, ट्रैक की पेट्रोलिंग होती है, पटाखे लगाए जाते हैं ट्रैक पे, ताकि जब वो फटे तो ड्राइवर को पता चल जाए कि मैं किसी सिग्नल के पास हूँ। अगर जीपीएस से लैस एंटी फॉग डिवाइस लगाया गया होता तो ये ट्रेनें लेट नहीं होती, क्योंकि जीपीएस के जरिए एंटी फॉग डिवाइस आगे के 5 किलोमीटर तक की पूरी जानकारी ट्रेन ड्राइवर को देगा। इससे कोहरे में भी ट्रेनों की सुरक्षा बनी रहेगी और ट्रेनों को ड्राइवर के विवेक पर छोड़ने के साथ साथ तकनीक के जरिए भी सुरक्षित बनाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो जिस तरीके से कोहरे में ट्रेनें लेट चलती हैं, तो शायद ये कहना बिल्कुल मुनासिब होगा कि दुर्घटना से देर भली। घने कोहरे में ट्रेन चींटी की तरह रेंग लगती है, तो हवाई जहाज भी मौसम के साफ होने तक खड़े रह जाते हैं। कोल्ड अटैक में आम मुसाफिर की हालत बुरी हो जाती है। यह हाल तब है जब देश के ज्यादातर हवाई अड्डों में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन क्या यह तकनीक वाकई में काम कर रही है? देखिए एक और खास रिपोर्ट। कोल्ड अटैक से हवाई सेवाएं भी अछूती नहीं। कोहरे की वजह से फ्लाइट्स के लेट होने और रद्द होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सब तब है जबकि एंटी फॉग डिवाइस अब सभी प्लेनों में लगे हैं। सोमवार को राजधानी से आने जाने वाली करीब 2 दर्जन फ्लाइट्स पर कोहरे का असर रहा। 16 फ्लाइट खराब विजिबिलिटी के चलते 30 मिनट से लेकर 3 घंटे तक लेट से उड़ी, तो कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। बीती रात कुछ देर के लिए विजिबिलिटी शून्य तक चले जाने की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुईं। मैं बॉम्बे के लिए जा रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि एयर इंडिया की टाइम फ्लाइट पे। दिल्ली के अलावा जयपुर और लखनऊ में भी फॉग की वजह से हवाई सेवाएं प्रभावित हुईं। यह है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह घने कोहरे की वजह से टेक ऑफ और लैंडिंग यहां बंद करनी पड़ी। हैरानी इस बात की कि एयरपोर्ट में कोहरे के लिए लगाया गया खास रडार खराब पड़ा है। यही हाल चंडीगढ़ में दिखा। फॉग की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई, नतीजा यात्री परेशान। सर, मैंने बैंगलोर जाना था और मैं आ रही हूँ रुड़की से, तो मतलब मैं कल रात से ही चली हुई हूँ, तो इसमें यहाँ आकर मुझे सुबह मैसेज मिलता है कि यहाँ पर फ्लाइट कैंसिल हो चुकी। यानी कोल्ड अटैक से कोई अछूता नहीं, न गरीब न अमीर, न सड़क न रेल न प्लेन। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। वाकई सुमित, आजकल ऐसी हालत हो रही है कि सुबह उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करता, रजाई से निकलने का। दिल्ली में जो यहाँ स्टूडियो में कड़कड़ाती ठंड में और ठंड में बिठा देते हैं। बिल्कुल, घने कोहरे में ट्रेनें चींटी की तरह रेंगने लगती हैं, ये तो हमने आपको बताया। और इस समय इतनी खराब हालत है, सब तरह का यातायात ऑलमोस्ट ठप पड़ा हुआ है। पूरा उत्तर भारत इस वक्त कड़ाके की सर्दी और कोहरे के चलते ठिठुरा पड़ा है। ठंड का असर पहाड़ से लेकर मैदान तक एक समान है। सर्दी का ये असर आने वाले दिनों में भी जारी रहने वाला है। कड़कड़ाती ठंड, शीतलहरी और कोहरा, पूरे उत्तर भारत में कोल्ड अटैक हो चुका है। हिमाचल की बात करें तो बर्फबारी से यहां के ज्यादातर इलाकों में लोग परेशान हैं।
पिछले दो दिन से बर्फ नहीं पड़ी है, लेकिन ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। भीषण बर्फबारी की वजह से बहुत से रास्ते अभी भी नहीं खुले हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आने वाले एक दो दिनों में फिर से बर्फबारी होने की आशंका है। बुढ़ा आदमी मरता है यहाँ पर, जलावन नहीं है बाबू, इसी पर हम लोग बैठा है पक्का पर, बहुत ठंड लगता है। सर्दी तो इतनी कड़ाके है कि अंदर से हड्डियाँ थरथर थरथर कांप रही हैं। यूपी में भी ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। इलाहाबाद में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है, सड़कें सूनी हैं, अलाव जल रहे हैं, तो लखनऊ में भी सर्दी का सितम नजर आ रहा है। यही हाल बनारस से लेकर मेरठ तक का है। यूपी में ही अब तक ठंड से करीब 20 लोगों की जान जाने की खबर है। ठंड से हुई मौतों पर कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। ठंड की वजह से यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 8 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया है। घर से बहुत मुश्किल है निकलना, अभी सुबह सुबह निकलना, जो सुबह सुबह निकलता है वो मजबूरी के सबब निकलता है। इतना धुंध है कि सामने करीब 20 मीटर 25 मीटर के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिहार में भी ठंड खूब पड़ रही है, लोग बेहाल हैं, जगह जगह आग तापते नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में भी सर्दी का सितम जारी है। ऊपरी पहाड़ों में बर्फबारी के बाद श्रीनगर में रात का तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे तक चला गया। डल का कुछ हिस्सा भी जमने लगा है, जगह जगह कांगड़ी नजर आने लगी है। कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में लगातार दो दिन से बर्फबारी के कारण यहाँ मैदानी इलाकों में काफी ठंड बढ़ गई है। और जैसा कि हम इस वक्त डल झील के पास खड़े हैं और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है और घने बादल छाए हुए हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। कुल मिलाकर ठंड का अटैक पूरे उत्तर भारत में हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस वक्त क्या स्थिति है, क्या अभी भी जबरदस्त ठंड है? बात करते हैं मेरे सहयोगी रवि सिंह से, जो इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, क्या स्थिति है, क्या आज भी कोहरा जबरदस्त है दिल्ली में, उत्तर भारत में? देखिए, निश्चित तौर पर करीब 5:30-6 बजे के बाद कोहरे ने एक बार फिर दिल्ली को अपने चपेट में ले लिया है। और क्योंकि सुबह के समय काफी ज्यादा कोहरा था और दोपहर के करीब 12-1 बजे के बाद धूप निकली थी, लेकिन शाम जैसे ही 5 बजे के बाद काफी ज्यादा कोहरा है और इस समय भी काफी ज्यादा कोहरा है और गाड़ियों की रफ्तार वो काफी स्लो है। जिस तरीके से मैं रास्ते में हूँ और फिलहाल अभी काफी ज्यादा जो स्लो है गाड़ियां, क्योंकि कोहरा काफी ज्यादा है और ठंड भी है। मौसम विभाग कहना है कि कल थोड़ा सा कोहरे में कमी आएगी, लेकिन परसों यानी 24 तारीख को एक बार फिर जो है कोहरा, घना कोहरा होगा। जी रवि, आपने कहा मौसम विभाग कह रहा है कि परसों फिर घना कोहरा होगा, लेकिन ये स्थिति, ये बहुत ज्यादा ठंड और कोहरा कब तक रहने के आसार हैं? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि कल थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन परसों से फिर एक बार घना कोहरा होगा और ठंड जिस तरीके से है, दिन में ही नहीं रात में भी तापमान में गिरावट आएगी और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भी अभी इस तरीके के आसार नहीं है कि दिल्ली में जो है ठंड से किसी तरीके की राहत मिलने वाली है। चलिए, शुक्रिया। चलिए, तो अभी ठंड से फिलहाल तो राहत मिलने के आसार नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि सुमित, हफ्ता 10 दिन पहले तक हम लोग ये कह रहे थे कि गर्मी है कितनी, और दिसंबर में बड़ी हैरानी हो रही थी कि इस बार ठंड क्यों नहीं पड़ रही, और जब पड़ी है तो ऐसी पड़ी है कि एक हफ्ते के अंदर लोग बेहाल।